फैसलाबाद के एक हजाम ने चैनी हथौड़ी उठा ली है। ये महंगाई की वजह से नहीं बल्कि वो इससे एक मखसूस काम लेता है। वो क्या काम है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरा नाम मंसूर अहमद है, मैं ये कटिंग का काम तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। मेरे ये जेन में ख्याल आया चैनी थोड़े की कटिंग वाला, मैंने एक नेट पे देखी थी कटिंग, आग के साथ कर रहा था भाई, तो वो काफ़ी फेमस हुई। तो मेरे पास मजदूर वगैरह काफ़ी आते हैं कटिंग करवाने, तो वो मैंने सोचा कि हम भी अपनी मजदूरी किसी ऐसी चीज़ से करें। मैंने फिर छैनी थोड़ी ली, उसके साथ कटिंग की। जब मैंने पहली बार ट्राई किया, मैंने अपने शिगिर्द पे किया था, तो वो काफ़ी डरा हुआ था, तो मैं भी डरा हुआ था कि कहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट सी जिल्द है तो छैनी बहुत तेज़ है, तो अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये सर फटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। किस इंसान पर इसे आजमाने से पहले कितनी प्रैक्टिस की आपने? कस्टमर पे आजमाने से पहले मैंने ना तकरीबन यही कोई 1-2 माह प्रैक्टिस की है इसकी। छैनी थोड़ी से बाल काटते हुए कभी कोई हादसा पेश तो नहीं आया? तकरीबन 2 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन अभी तक कोई हादसा हुआ नहीं है, और अल्लाह करवाए भी ना। मंसूर अहमद की महारत तो अपनी जगह, पर ये पुरखतर कटिंग करवाना तो दिल गुर्दे वालों का ही काम है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद समा, फैसलाबाद।